कई लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग डेंगू से पीड़ित हैं। मगर अब ये ज्यादा ना फैले, इसके लिए निगम की ओर से लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी क्रम में हावड़ा के वार्ड नंबर 29 में इलाके के पूर्व पार्षद शैलेश राय द्वारा विभिन्न स्कूलों व एनजीओ में मच्छरदानी बांटी गई। इसमें बच्चों ने स्लोगन भी दिया, मच्छरदानी लगाने से ना ही काटेगा मच्छर और ना ही होगा डेंगू व मलेरिया। डेंगू मलेरिया नहीं आएगा। तो घर में जाके क्या बोलोगी? सबको सिखाना है कि मच्छरदानी लगा के। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा पूर्व पार्षद ने। मेरे वार्ड में 5 प्राइमरी स्कूल है और 4 आंगनबाड़ी का सेंटर है और ये सब मिलाकर के 400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर आते हैं। हम लोगों ने आज सुबह से हावड़ा हार्ट स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय, आनंद सिंह विद्यालय, विजय विद्यालय और मल्लिक फाटक के जुगुल स्कूल में लगातार हर बच्चे के हाथ में हम लोगों ने एक एक मच्छरदानी दिया और बच्चों का स्लोगन बड़ा अच्छा था, शिक्षकों ने बहुत मेहनत किया था। जैसे ही बच्चों के हाथ में मच्छरदानी जाती थी, बच्चे एक स्लोगन लगाते थे, मच्छरदानी लगाने से मच्छर नहीं काटेगा और मच्छर नहीं काटेगा तो डेंगू मलेरिया नहीं होगा। इसको लगाने से क्या होगा? मच्छर नहीं काटेगा तो उसके बाद ब्लैक रोज में हमारा आंगनबाड़ी का सेंटर चलता है, भारत स्पोर्टिंग क्लब के यहाँ सेंटर चलता है, बीना पानी क्लब में सेंटर चलता है और एक जयहिंद स्पोर्टिंग क्लब में सेंटर चलता है। ये सारे जगह हम लोग लगातार 9 बजे से, अभी थोड़ी देर ये खत्म हुआ, उद्देश्य एक ही है कि बच्चों के माध्यम से समाज में एक जागरूकता लाई जाए कि मच्छरदानी लगाना अनिवार्य हो गया है जब तक ये डेंगू का कहर है। खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएं, खुद भी मच्छरदानी लगाएं, लोगों को भी सलाह दें। और इसके बाद फॉगिंग और स्प्रे ये सब तो लगातार चल रहा है, ब्लीचिंग लगातार चल रहा है और आने वाले दिनों में प्रयास यही रहेगा कि हम लोग अपने वार्ड को डेंगू और मलेरिया मुक्त कर पाएं।